तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूरे चुनाव में लगातार जनता के बीच में हूं, गरीबों के बीच में हूं। पार्टी ने जो नारा दिया उस पर नहीं, जो अब गरीब यहां के लाचार यहां के मुसहरों ने जो नारा दिया, मुसहर भाइयों ने जो नारा दिया, क्या नारा दिया? राशन वाले बाबा, अरे बुलडोजर वाले बाबा, सोयाबीन तेल वाले बाबा, अरे चना देने वाले बाबा, गेहूं देने वाले बाबा। गरीबों ने कहा नमक हरामी नहीं करेंगे और पुजली राशन वाले बाबा को उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाथ उठाइए। साथियों, जो गरीबों में ललकार है, किसानों में ललकार है, महिलाओं में ललकार है, ऐसा मैं 17 में नहीं देखा। 17 में बीजेपी की आधी थी और इस बार पूजनीय योगी आदित्यनाथ की सुनामी है। राशन वाले बाबा का सुनामी है, बुलडोजर वाले बाबा का सुनामी है। मेरे दोस्तों, ये हालात सिसवा विधानसभा में हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ की है। गजब गरीबों में आधी है, ऐसी आधी हम 17 में नहीं देखे थे। 5 साल विकास कराए पूजनीय योगी आदित्यनाथ के साथ में एमएलए रहा, मैं सोचा नहीं था एक क्रांति 5 साल में गरीबों में आएगी, मुसहरों में आएगी, बंटागिया में आएगी, किसानों में आएगी, व्यापारियों में आएगी, तहसील सिसवा बनाने वाले नौजवानों में आएगी। गजब क्रांति है मेरे दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है हम नहीं बताएंगे। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की 8 सभा लगी है, उसको करना है। मैं पूरा समय अपने राशन वाले बाबा को देना चाहता हूँ। हाथ उठा के सम्मान करिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बुलडोजर वाले बाबा है, गरीबों में अपनी बात कहें, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शिवेंद्र सिंह जी, पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र सिंह जी, अंकित सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, अमरेंद्र मणि पांडे जी, हिंदू या वाहनी के श्री नृपेंद्र सिंह जी, अभय मित्र पांडे जी, श्रवण सिंह जी, अमरीश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सागर पटेल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सागर पटेल जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में आपको कुछ अंतर महसूस होने को तो भी दिखाई दिया है? 2017 के पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली मिल रही है? 2017 के पहले भी मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना। 2017 के पहले
बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। ईद और मुहर्रम में तो बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। 2017 के पहले बिजली आने का समय मालूम नहीं था, आती नहीं थी, और अब जाती नहीं है। फर्क महसूस हो गया ना। दूसरा, वर्तमान में कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया जी रही है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर लाखों लोग कोरोना महामारी से मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को भी बचाने का जो कार्य हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा आपसे किसी ने, फ्री में मिला है ना। देखो, अगर सपा बसपा की सरकार होती ना, ये सारी वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, मानते हैं ना। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा। महीने में दो बार राशन है या नहीं है? राशन के साथ तेल, दाल और नमक भी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, 2017 के पहले जो सरकारें थी वे क्या कर रही थी? आज बिजली भी है, सड़क भी बन रही है, बाढ़ भी रोका जा रहा है, किसानों को समय पर उनकी उपज का दाम भी दिया जा रहा है, नौजवान को रोजगार भी दिया जा रहा है, फसल ऋण माफी की कार्रवाई भी होती है, पुल, पुलिया, सड़क, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इन सब का निर्माण भी हो रहा है। और महाराजगंज में तो अब हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज भी लेकर के आने वाले हैं। ये सभी काम हो रहा है ना। आखिर 17 के पहले ये काम क्यों नहीं होता था? 17 के पहले उनका नारा था, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का नारा था कि सबका साथ लेकिन सफाई खानदान का विकास। आज हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। लेकिन भाइयों बहनों, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं। ये निस्लौल क्षेत्र में, डोमा कांटा और उसके आसपास के क्षेत्र में पहले मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाता था, कितना हमले होते थे, कितनी गुंडागर्दी थी, उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर डालेगा तो भाइयों बहनों उसमें मालूम है कि फिर इसके क्या परिणाम होंगे। और इसीलिए मैं जब यहां पर आ रहा था, मैं देख रहा था कि यहां पर मंच के साथ बुलडोजर के रूप में आप लोगों ने जेसीबी को भी खड़ा करके रखा हुआ है। यह देखिए, ये हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी इससे होता है। और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का तो कमाल है कि इससे अब जितने माफिया और अपराधी थे, जो इस गफलत में थे कि चुनाव की घोषणा के बाद वे बाहर निकलेंगे और अव्यवस्था फैलाएंगे, अब जब आज 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ चुकी है। 6वें और 7वें चरण में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे।
विपक्ष के नेताओं को मालूम है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता तो अभी से अपना बाहर भागने का टिकट बुकिंग करवाना शुरू कर दिए। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई नेपाल भागने की फिराक में है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, हर व्यक्ति अभी से अपने लिए रास्ता निकाल रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, गरीबों की जमीनों पर जिसने भी कब्जा करने का दुस्साहस किया, गरीबों के हक पर जिसने भी डकैती डालने का प्रयास किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। मैं ब्याज सहित उसको वापस सरकारी खजाने में भर करके और उस पैसे से हम लोग फिर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, अभी तो जब 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रदेश में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होगा, तो सरकार ने तय किया है होली और दीपावली में हर उज्ज्वला गैस लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। हमने तय किया है 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। अपने अन्नदाता किसानों को अगले 5 वर्ष के दौरान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, फ्री में उसको बिजली मिल सके, इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, यह भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि बेटी की शादी के लिए अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कन्यादान के 51,000 रुपया मिलता है, इस राशि को 1,00,000 रुपए करने की हमारी प्रस्ताव है। बेटी के साथ भेदभाव न हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक 15,000 रुपए की राशि हम दे रहे हैं, इस राशि को बढ़ा करके 25,000 करने का प्रस्ताव है। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों की पेंशन समाजवादी पार्टी ने रोक दी थी, हमने इसे बहाल किया, इसमें बढ़ोतरी की, 12,000 रुपए सालाना 1 करोड़ परिवार को प्रदेश में हम पेंशन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है अगले 5 साल के अंदर इसे 18,000 सालाना करने की व्यवस्था करेंगे, 18,000 रुपए सालाना। और नौजवान कैसे छूट जाएगा? मेधावी बेटी जो कॉलेज में पढ़ेगी, जो कॉलेज में जाने वाली मेधावी बेटी होगी, मेरिट के आधार पर उसको फ्री में स्कूटी भी सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा। और अपना नौजवान कैसे छूट जाएगा? फिर कॉलेज जाने वाले हर नौजवान के लिए, चाहे वह स्नातक में हो, प्रास्नातक में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक का है, डिप्लोमा फार्मेसी का है, नर्सिंग का है, आईटीआई कर रहा है, ये जितने भी पाठ्यक्रम है, इन सभी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1 करोड़ नौजवान को, और सरकार ने तय, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि नौजवान को देने की आवश्यकता क्या है। हमने कहा नहीं, विकास में केवल सिपाही खानदान का अधिकार है, बाकी यूपी के नौजवान। लेकिन अब हमने तय किया है 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे, डिजिटल एक्सेस फ्री में देंगे। और यही नहीं, अगले 5 साल के दौरान, भाइयों बहनों, अगले 5 साल के दौरान हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य करने हैं नौजवान के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए आज आवश्यकता क्या है? भाइयों बहनों, इसके लिए एक ही आवश्यकता है,
और वह आवश्यकता है एक दमदार सरकार की। दमदार सरकार तब बनेगी जब महाराजगंज जनपद की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यहां से श्री प्रेम सागर पटेल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। देखो, जब शिव बाबू आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं, अंकित सिंह भी आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं, और यहां पे भाजपा और इंदिरा बानी की सारी ताकत मिलकर के काम करेगी, तो शिव प्रेम सागर पटेल जरूर चुनाव जीत जाएंगे। उनका चुनाव जीतने का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनेगी वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगी और बुलडोजर का कायदे से माफियाओं में इस्तेमाल भी करेगी। सहमत हैं सभी लोग? ये जो घर के ऊपर हैं लोग, आप लोग भी सहमत हैं ना? सभी लोग प्रदेश में चाहते हैं कि दमदार सरकार बने, आपके हितों को संरक्षण देने वाली सरकार बने, इसके लिए सहमत हैं? तो दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान कमल चुनाव चिन्ह पर प्रेम सागर पटेल को भारी मतों से विजयी बनाने की पील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।